नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज के बारे में, यानी कि डिस्टोनिया के बारे में। आजकल यंगस्टर में, अडल्ट में, हम सब में ये नोटिस कर रहे हैं कि यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी कि जितने प्रतिशत संख्या इसकी पहले थी उससे अब ये दुगना अपना रूप लेती जा रही है। धीरे धीरे लोग इससे परेशान होते जा रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है, वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। जब उनको ये सिम्टम यानी कि साइन उनकी बॉडी देना स्टार्ट करती है कि आपको ये बीमारी होना शुरू हो रही है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड में ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है और इसके लिए फिर हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ब्रीफली इसके बारे में जानेंगे कि डिस्टोनिया क्या है, किस वजह से यह होता है और जब यह लोगों में हो जाता है तो किस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि डिस्टोनिया है या फिर और कोई डिसीज है। तो आज आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाया जाएगा डिस्टोनिया के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आप जान पाएं कि डिस्टोनिया क्या होता है और इसके लिए आप पहले से सावधानी लेना शुरू कर दें और इसके बारे में आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो का अलर्ट हमेशा आप तक पहुंच सके। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टोनिया के बारे में, यानी कि जानते हैं कि डिस्टोनिया वर्ड होता क्या है और ये किस तरीके से हमें होता है। तो डिस्टोनिया हम सबसे पहले जानते हैं, आपको आम भाषा में समझाया जाता है कि डिस्टोनिया क्या होता है। जैसे कि अब हम अपना हाथ मोड़ पा रहे हैं, हमारी आई ब्लिंक कर पा रही है, हम बोल रहे हैं या फिर चल रहे हैं, जैसे इस तरह की हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हम उनको कर पा रहे हैं। ये होती है हमारी वॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में होती है। जब हम चाहे हम ऐसे चल सकते हैं, इधर उधर ट्विस्ट कर सकते हैं, बॉडी को मूव कर सकते हैं। लेकिन जब यही मूवमेंट अपने आप होना शुरू हो जाती है और इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि अगर आपकी आई बहुत ज्यादा ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे, आप ट्राई करें उसको स्टॉप करने का लेकिन आप नहीं कर पाते, यानी कि आपके वश में वो नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट, जो कि हमारी क्या होती है, डिस्टोनिया होती है। डिस्टोनिया में क्या होता है, आपकी मसल्स वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो आपकी मांसपेशियां होती है जिसकी वजह से आप चल फिर पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी फिर घेर लेती है। तो ये डिस्टोनिया है। अब आप समझ गए होंगे कि डिस्टोनिया वर्ड का मतलब क्या होता है। तो डिस्टोनिया किस वजह से होता है, ये सब हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल किसके पास है, ब्रेन के पास। जब हमारे ब्रेन से सिग्नल आते हैं तब हम बॉडी को मूव करते हैं, हम कुछ काम करते हैं, खाना खाते हैं या फिर ड्रेसअप होना, कहीं जाना, कोई कैलकुलेशन करना, पढ़ना, ये सब ब्रेन से हमारा कनेक्टेड है। तो ब्रेन में जब ये सिग्नल जाते हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है, लेकिन जब ब्रेन ये सिग्नल नहीं दे पाता है या फिर वो आपकी बॉडी को समझ नहीं पाता है और गलत वो सिग्नल देना स्टार्ट कर जाता है, गलत कमांड देना शुरू कर जाता है, तो फिर ये बीमारी हमें शुरू हो जाती है। फिर हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप प्रेमर्स कुछ लोगों में देखते होंगे कि बहुत ज्यादा उनकी नेक इस तरह से रोटेट होती है, वो उनके बस में नहीं हो पाता है, ये सब हमारे ब्रेन की वजह से होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ब्रेन से यह डिस्टोनिया हमें किस तरीके से होता है। तो डिस्टोनिया में क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं बाय बर्थ, हमें वो जितने सफिशिएंट होते हैं हमारे बाय बर्थ हमारे पास आते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते नहीं है, वो जिनकी मात्रा उतनी होती है वो इतना ही रहते हैं। लेकिन फिर कैसे धीरे धीरे हमारी बॉडी सब कुछ करना शुरू कर देती है, जब हम बचपन में होते हैं फिर धीरे धीरे हम उसको सीखते हैं चीज़ों को, क्रोलिंग, नीलिंग, फिर वॉक करना, रन करना, तो इसमें क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स की काउंटिंग नहीं बढ़ती है बल्कि उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि धीरे धीरे जैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं, हमारे माइलस्टोन शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो बचपन में हमारे धीरे धीरे एक एक स्टेज के माइलस्टोन होते हैं वो बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो यह सब न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी की वजह से होता है। लेकिन जब ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, सिग्नल आपका नहीं पहुंच पाता है, कमांड आपकी नहीं हो पाती है, तो फिर हमें यह डिसीज होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि डिस्टोनिया क्या होता है और ये किस वजह से होता है। अब इसके और भी रीजंस होते हैं, जैसे हेरिडिटी, मेन इसका रीजन आपका हेरिडिटी है, यानी कि आनुवांशिक बीमारी, ये हमें बाय बर्थ आती है। जैसे हमारी फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई पेशेंट है तो उससे हमें आ सकता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि एक फैमिली में एक से ज्यादा बच्चों को भी डिस्टोनिया हो सकता है। दूसरा इसका रीजन होता है आपका जीन म्यूटेशन, यानी कि बर्थ के बाद भी यह हमें देखने को मिलता है,
तो उसमें क्या आपका जीन्स होते हैं जो म्यूटेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी शुरू हो जाती है। तो बीमारी हमारी हेरिडिटी भी होती है और जीन म्यूटेशन की वजह से भी होती है। अगर आप पहले से इसके लिए अलर्ट हो जाए, यानी कि अगर आपका बच्चा आपको दिख रहा है कि वो माइलस्टोन जो होते हैं डेवलपमेंट उनकी होती है वो धीरे धीरे नहीं हो पा रही है, या फिर वो क्रॉलिंग नीलिंग जिस स्टेज में होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसके लिए प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। तुरंत तुरंत किसी फिजियोथेरेपिस्ट या न्यूरोसर्जन से आपको मिलना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि बच्चों में आप बहुत जल्दी नोटिस कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अडल्ट में भी ये आ सकती है, यह किसी भी स्टेज में आपको स्टार्ट हो सकती है। देखा जाता है कि जो 40 साल की उम्र के लोग होते हैं उनमें भी यह बीमारी आ सकती है। तो इस बीमारी के सिम्टम क्या होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको डिस्टोनिया हुआ है? डिस्टोनिया बहुत सारी बीमारी में हो सकते हैं, यानी कि मांसपेशियों की कमजोरी आपकी बहुत बीमारी में आ सकती है। जैसे आपकी पार्किंसन डिजीज है, तो आप कभी ये कंफ्यूज ना हो कि अगर आपको डिस्टोनिया हुआ है तो आपको पार्किंसन या फिर और कोई डिजीज हुई है। यह बेसिक लक्षण है, यानी कि एक सिम्टम है डिस्टोनिया, यानी कि मसल एट्रोफी, या किसी भी बीमारी में आपको आ सकती है। तो इसको कैसे पहचान सकते हैं? स्टार्टिंग में जब आपको डिस्टोनिया होता है तो आप पेशेंट में देखेंगे कि वो इस तरह से अपने हील को रेज करके वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इस तरह से वो पैरों को रखते हैं, अपने पंजों पर चलना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी जो काफ मसल्स होती है, यानी कि पिंडलियां होती है, वो भारी होती दिखाई देती है, आपको दिखाई देगा वहाँ स्वेलिंग है, और उनको फिर चलने में और रन करने में ये सारी उनको डिफिकल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे उनको स्टेयर क्लाइंबिंग और इस तरह से बैठना लेटना उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। आप इस तरह के पेशेंट में देखेंगे कि अचानक से उनका पेट आगे की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उनका जो स्पाइन का कर्वेचर होता है वो चेंज हो जाता है, हमारी स्पाइन अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट कर देती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिर आपको लगेगा कि आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो आपका टमी थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। और इसमें देखा जाता है कि आपकी जो थाई की मसल्स होती है वो धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट हो जाती है, कमजोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट वॉक नहीं कर पाता है, ज्यादा चल फिर नहीं पाता है, अपने काम नहीं कर पाता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा चलता है तो वो फिर तुरंत गिर जाता है, यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल धीरे धीरे खोना शुरू हो जाता है। जब पेशेंट को इस बीमारी का पता चलता है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा सर्च करने पर आप गूगल नेट पे देखोगे तो डिस्टोनिया का अभी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मिला है। इसके लिए अभी रिसर्च चालू है, इसको ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि ये हेरिडिटरी है तो इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, डिस्टोनिया के जो हमें सिम्टम मिलते हैं उनका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ज्यादा वॉर्स कंडीशन में ना आए, जहाँ है उसी स्टेज पे आपके लिए रुक जाए, और थोड़ा सा आपके लिए टास्क जो आपकी एक्टिविटी होती है वो थोड़ा इजी हो जाए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला इसका सिम्टम होता है कि आपकी मसल स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको फिजियोथेरेपी लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। सुबह शाम आधा आधा घंटा आपको हर मसल्स की एक्टिविटी करनी है, यानी कि जैसे आपकी आर्म है तो आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और ऐसे ही आपकी पैर की आपकी स्पाइन की मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपकी मोबिलिटी बनी रहेगी, आपकी स्टिफनेस थोड़ी कम हो जाएगी, तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप योगा और प्राणायाम भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, क्योंकि इस तरह के लोग जिनको डिस्टोनिया हुआ है वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पता है कि ये बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है कोई, तो इससे वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, और फिर वो अपना मानसिक संतुलन खोना भी शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए अगर आप योगा प्राणायाम आप डेली रूटीन में लाएंगे तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, आप अपने माइंड को थोड़ा शांत कर पाओगे, और फिर फोकस होके आप अपना डेली रूटीन में जो एक्सरसाइज वगैरह है उन पर ध्यान दे पाओगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मसल स्टिफनेस के लिए हीट थेरेपी भी डेली रूटीन में ला सकते हैं। हीट थेरेपी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप गर्म पानी करके उसको बोतल में डालकर आप उससे भी सिकाई कर सकते हैं, या फिर मार्केट में जो हीट जेल आते हैं उनको भी आप गर्म करके कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप उस पार्ट के जहां आप हीटिंग करेंगे उससे क्या होगा, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, थोड़ा आपको भी रिलीफ मिलेगा, और रेंज ऑफ मोशन भी धीरे धीरे आप देखोगे तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह के ट्रीटमेंट, यानी कि इस तरह के मैनेजमेंट लेकर आप उस बीमारी को आगे बढ़ने से थोड़ा रोक सकते हैं, और आपके लिए फिर काम करना थोड़ा पहले से ईजी हो जाएगा। उसके साथ साथ ही इससे असर यह भी देखने को मिलेगा कि और भी ज्यादा स्टिफनेस फिर आपकी बॉडी में नहीं आएगी, जितना है उतने लेवल तक ही फिर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें।
उसके साथ साथ ही अगर आप वॉक करेंगे सुबह शाम आधा घंटा तो वह भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इससे भी आपकी बॉडी की मूवमेंट बनी रहेगी, आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी। उसके साथ साथ अगर आप योगा प्राणायाम भी करते रहेंगे तो उससे आपके ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से काम करेंगे, एटलीस्ट आपको और कोई डिसीज फिर कवर नहीं कर पाएगी। तो आज इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया गया है डिस्टोनिया क्या होता है, किस वजह से होता है, किस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप समझ पाएं और अलर्ट हो जाएं कि और तुरंत फिर किसी डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें और उसके लिए फिर धीरे धीरे अपना मैनेजमेंट यानी कि सिम्टम के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए आप फिजियोथेरेपी लेंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोथेरेपी यानी मशीनें यूज करके आपकी मसल की स्टिफनेस को कम किया जाता है और एक्सरसाइज करा के आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग कराई जाती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जिन भी लोगों को इस तरह की परेशानी शुरू हो गई है तो वह इस वीडियो को देख के थोड़ा समझ जाएं और अपने लिए थोड़ा ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें। तो वीडियो को शेयर करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।